नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल टेक्सी के में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्वयं प्रभा से भी बेहतर एक अन्य ऑप्शन है जहाँ से आप NIOS DLED का वीडियो में लेक्चर सुन सकते हैं। क्योंकि स्वयं प्रभा चैनल पे जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वह यह कि अगर हम उसको खोलते हैं और चैनल को लोडिंग करते हैं तो वो काफ़ी समय तक लोडिंग ही होते रहता है। इसका मतलब है कि उस ऐप में या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या इंटरनेट का हमारा प्रॉब्लम है जो काफ़ी देर तक सॉल्यूशन नहीं होता है उसका। फिर भी आप उस पर अपना ट्राई करते रह सकते हैं, लेकिन एक बेहतर ऑप्शन हम आपको आज बताने जा रहे हैं, एक स्वयं प्रभा का एक बेस्ट अल्टरनेटिव जहाँ से आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय रहते आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर को खोलेंगे और प्ले स्टोर खोलने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, SWAYAM, स्वयं स्वयं। तो सबसे पहले स्वयं ही आप टाइप करेंगे तो ऊपर में एक आइकन सहित नाम आता है स्वयं, आप वहाँ पे स्वयं को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा ऐप इंस्टॉल है, ऑलरेडी मोबाइल में मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का बटन आएगा, आपको बटन पे इंस्टॉल करके दबा के बटन पे इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद जैसे आपका इंस्टॉल हो जाएंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करने के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन करना है। देखिए जैसे कि मैं जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन हूँ, मेरा नाम यहाँ पे चंदन कुमार लिखा हुआ है, सपोर्ट लॉग आउट ये सब ऑप्शन है, इस डॉट पे दबाने के बाद आपको दिखता है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा कोर्स मटेरियल आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा कोर्स उपलब्ध है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक नंबर में यहाँ पे देखते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल डिसीजन, अकॉस्टिक एंड नॉइस कंट्रोल, अन्य है एडवांस मैथमेटिकल मेथड फॉर केमिस्ट्री। इसी तरह के आप नीचे जाएंगे तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमारा मकसद है कि NIOS DLED कोर्स हम कैसे करें, तो यहीं पे आपको वीडियो लेक्चर के तहत आपको NIOS DLED कोर्स के सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कोर्स करेंगे। सबसे पहले आप जैसे ऊपर यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा DLED। हम आपको सर्च करके एक मिनट दिखा देते हैं। तो आपको सर्च करना है कि इसमें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको माय कोर्स, उसके बाद आपको एक ऑप्शन डिस्कवर दिखा रहा है, आपको डिस्कवर ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना है, कैपिटल में आप डी लिखेंगे, डी डॉट। जैसे ही डी या डॉट देंगे इसके साथ ही आपको DLED से रिलेटेड कोर्स आपको सामने में दिखा देगा। ठीक, देखिए जैसे मैंने डी डॉट दिया उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं निकला है DLED 501 एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया ए सोशियो कल्चर परस्पेक्टिव। आपको ये 501 यूनिट ब्लॉक 501 है DLED का, दूसरा है DLED 502 ब्लॉक 502, तीसरा है DLED 503। फिलहाल ये प्रथम वर्ष में जो आपको पढ़ना है वही चीज़ इस पे लोड किया गया है। आप जैसे ही डिस्कवर पे क्लिक करके यहाँ पे निकालेंगे, आपको उन कोर्स पे क्लिक करना है, उन तीनों पे क्लिक करना है। जैसे ही उस तीनों पे क्लिक करेंगे आपको उसके अबाउट सेक्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा लिखा हुआ है ऑलरेडी इनरोल्ड, यहाँ पे आप इनरोल नहीं हैं तो आपको इनरोलमेंट का ऑप्शन दिखेगा, यानी आपको एनरोल बटन दिखेगा, वहाँ इनरोल बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। एनरोल होने के बाद आप देख सकते हैं आपका पूरा कोर्स मटेरियल आपके पास उपलब्ध होगा, वीडियो लेक्चर उपलब्ध होगा। आप उस अबाउट सेक्शन में बहुत सारा डिटेल भी देख सकते हैं कि यह कोर्स कब से शुरू हुआ है, यह शुरू हुआ है ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2017, यानी कि 2017 3 अक्टूबर से यह शुरू हुआ है, यह चलेगा वेडनेसडे 31 जनवरी 2018 तक यह कोर्स चलेगा। इसमें आप देखिए कि अभी तक में इसमें 2534 लोग इनरोल हो चुके हैं और आप जो
अभी इनरोल करेंगे और दिनों दिन इसमें इनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। इसमें इनरोलमेंट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिखेगा इनरोलमेंट का बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं ऑलरेडी इनरोल हो चुका हूँ, उसी तरह आप दूसरा 502 को भी खोलेंगे, 502 में भी यहाँ पर आपको इनरोल बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको इनरोल कर देना है। तीसरे कोर्स DLED 503 उसको भी ओपन करेंगे, वहाँ भी आपको इनरोलमेंट का बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यानी आप तीनों कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। इनरोल हो जाने के बाद आपको देखिए माई कोर्स में यहाँ पे अब आप डिस्कवर कर लिए हैं तो आप माई कोर्स में आपको इस तरह का ऑप्शन कोर्स आ जाएगा, यानी माई कोर्स में आप जिस जिस कोर्स में इनरोल किए हैं वो सब ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होगा। अब आप चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्लास कैसे किया जाता है या कैसे एजुकेशन लिया जाता है। सबसे पहले DLED 501 कोर्स को हम क्लिक करते हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है, यानी कि इस DLED 501 कोर्स के अंतर्गत आपको वीक वन में क्या क्या पढ़ना है, वीक टू में क्या क्या पढ़ना है, वीक थ्री में क्या पढ़ना है, वीक फोर, वीक फाइव, वीक सिक्स, वीक सेवन, वीक एट, यानी एक से लेके 8 सप्ताह तक का ये DLED 501 कोर्स है। यानी आपको 8 सप्ताह तक का ये कोर्स है। इसमें प्रत्येक वीक में आपको अलग अलग कोर्स मटेरियल है जहाँ से आप इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरह से हिंदी में इसका लेक्चर सुनेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे वीक टू को ओपन करता हूं तो वीक टू में देखिए पहला ही ऑप्शन है डॉक्टर सत्यवीर सिंह प्राचीन काल में गुरु का महत्व, इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहां पे प्ले बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखिए। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह हूँ। आज हम प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा, उनकी भूमिका एवं दायित्व के बारे में जानेंगे, साथ ही यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में गुरुओं को अत्यधिक सम्मान दिए जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यह भी जानेंगे कि वर्तमान शिक्षक तथा प्राचीन काल के गुरु में क्या अंतर है। तो देखा दोस्तों, आप यहां पे पूरा कोर्स आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि हर तरह का कोर्स जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं है, बहुत सारा इंग्लिश में भी है, लेकिन प्रयास इस पे जारी है, इसमें तमाम कोर्स हिंदी में उपलब्ध होगा। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको एक सही जानकारी दूँ कि आप कहाँ से एक हिंदी में कोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप आसानी से DLED का कोर्स पूरा कर सके। फिलहाल इतना ही इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना था, मुझे इतना ही बताना था। आप जो है कोर्स के बारे में पढ़े, देखे, समझे और बेहतर तरीके से DLED पूरा करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप आने वाले अन्य वीडियो को भी देखते रहे, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपको लेते आऊँगा आपके सामने में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।